शुमाला दुआ के खिलाफ झूठी एफ आई आर कटवाएगी मेरे सर के साई को इतने जहर दे के मारने की कोशिश की और अब वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की कशमाकश में है और जब पुलिस दुआ को अरेस्ट करने के लिए आएगी तो दुआ कहेगी की मेरा कसूर क्या है शुमाला उसे कहेगी कोई भी मेरे और नौशेरवा के बीच में आता है तो उसको निकाल कर कर बाहर फेंकना मैं अच्छी तरह जानती हूँ जी जानी कशमाला की ये बात सुनते ही के नौशेरवा की पूरी बॉडी में जहर फैल चुका है और अब उसके बचने के कोई चांसेस नहीं और तो कश्माला के शैतानी दिमाग में फौरन ये बात आती है की नौशेरवा तो अब मौत के मुंह में है तो उसकी इस हालत का फायदा उठाते हुए प्रॉपर्टी तो के डॉक्यूमेंट्स पे शेरवा के अंगूठे के निशान लगा लेगी डॉक्यूमेंट्स तो के थ्रू वो सबको ये साबित कर सकेगी नौशेरवा ने अपनी जिंदगी में अपनी पूरी जायदाद उसके नाम कर दी थी शिमला को क्योंकि नौशेरवा से नहीं बल्कि उसकी जायदाद से मोहब्बत थी की वजह है कि वो नौशेरवा की जान की परवाह किए बगैर पहले उसकी फेवरेट डिश में उसको जहर मिला देती है और इल्जाम आता है बिचारी दुआ पर नौशेरवा के बाबा साईं दुआ को धुतकारते हुए कहेंगे कीचड़ को सर का ताज बना दिया था मेरे बेटे ने इसी बात से मैं उसे रोकता था कि कभी भी कम नस्ल और कम हैसियत इंसान आपका मुखलिस नहीं हो सकता और ये हरकत करके तुमने मेरी बात को सही साबित कर दिया शाला धुआ को जेल पहुंचाने और डॉक्यूमेंट्स पे नौशेरवा के अंगूठे के निशान लगवाने के बाद बहुत ही खुश होगी कि अब उसका रास्ता बिल्कुल साफ हो गया दुआ जो उसके रास्ते का आखिरी कांटा था उसे भी उसने जेल पहुंचा दिया लेकिन ये खुशी उसकी वक्ती होगी के नौशेरवा बहुत जल्द रिकवर हो जाएगा जब कश्माला डॉक्यूमेंट्स पे अंगूठे के निशान लगा रही थी तो नौशेरवा को पता चल जाता है और वार्ड में लगे कैमरे के थ्रू कश्माला की पकड़ बहुत ही आसानी से हो जाएगी कश्माला की असलियत जानने के बाद नौशेरवा कश्माला को तलाक दे देगा और दुआ ऐसी माफी मांगते हुए उसे वापस घर ले आएगा हमें की स्टोरी मजीद बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज